हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर का बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओनली गाइड फॉर एग्री। पिछले क्लास में स्टडी के तहत आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स जिसमें आपको इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा था, तो इंटीग्रेशन में आपको बेसिक कंसेप्ट 7.1 7.2 का सोल्यूशन हो चुका है। अगर आप इंटीग्रेशन 7.1 7.2 का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में इंटीग्रेशन प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंटीग्रेशन क्लास 12 में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको इंटीग्रेशन का नेक्स्ट चैप्टर 7.3। अभी तक आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे और वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन क्योंकि आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 7.3 और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ठीक है। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से आपको बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ इतना का आपको फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर जानते थे कि कॉस 2x बराबर, पहले देखेंगे इसको राइट कैसे करेंगे कि कॉस 2x बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin²x, क्लियर। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin²θ। हमको दे दिया है sin²x दिया है, ठीक है, sin²x दिया है। हम यहां से sin²x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 sin²x बराबर हो जाएगा आपका 1 - cos²x, क्लियर है। और यहां से अगर हम क्या निकालते हैं, sin²x निकालते हैं, हो जाता है 1 - cos²x/2 हो जाता है, क्लियर। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin²x। हमको क्या चाहिए, sin²x चाहिए, sin²x चाहिए। तो sin²x जब चाहिए तो हम यहां sin²x निकालते होता है 1 - cos²x/2, क्लियर है। 1 - cos²x/2 क्या होता है, 2 हो जाता है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि sin²2x+5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 - cos², और x रहता है 2x+5/2, क्लियर है। sin²x थीटा है, मान लीजिए थीटा है पहले, जो यहां पर है वही यहां पर, जो यहां पर वही यहां पर, और यहाँ पर 2 से मल्टीपल है कोई बात नहीं, और 2 यहाँ पर था, 2 नीचे आ गया, हो गया 1 - cos², इतना बट्टा क्या हो गया, 2, यानी हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - और cos और 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, cos 4x + 10 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 से क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, 2 * 4 = 10, ठीक है, यानी cos 2 थीटा बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इतना 1 - cos 4x + 10, ठीक है, / 2 dx, क्लियर है। अब ये आपको 2 पार्ट्स हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx/2 माइनस है माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 और यहाँ का 2, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, 2 dx, क्लियर है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ x होता है, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर क्या, cos 4x + 10 dx, क्लियर। अब ये जो है आपको हो गया x/2 माइनस, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, तो 1/2, ठीक है, और ये हो गया sin 4x + 10,
और जो फोर यहाँ पर वही फोर नीचे गुणा वाला है, तो हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस वन बाई एट और हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस सी। क्लियर, इतना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे आप कन्वर्ट कर लेंगे कि कॉस का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर आया, और इसके बगल में ये जो फोर है ये तो आपको कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसके एक्स के बगल में जो कोफिशियंट है वह नीचे आके मल्टीपल हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस वन बाई एट साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस सी। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको बेस्ड ऑन फर्स्ट, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमने अभी बताया, अगर उसी क्वेश्चन को अगर आपको ऐसे बनाना हो कि कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव करना हो तब क्या, ठीक है, उसी क्वेश्चन के आधार पर साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव था तो कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव होगा तो क्या होगा, सेम प्रोसेस वही हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है, प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा है कि कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपको कॉस टू एक्स ये माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस वन, यहाँ पर हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो गया कॉस टू एक्स प्लस वन, और ये जो टू है ये यहाँ पर आ गया और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, यानी इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे, यानी कि इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा कॉस टू एक्स पर क्या है आपको टू एक्स प्लस फाइव प्लस वन बाई टू और हो गया डी एक्स। क्लियर है ना, ऐसे आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या इंटीग्रेशन कॉस दो गुना चार एक्स प्लस टेन प्लस वन बाई टू डी एक्स। क्लियर, अब फिर इसको अलग पार्ट करते हैं तो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फोर एक्स प्लस टेन डी एक्स प्लस प्लस और डी एक्स वन बाई टू। ठीक है, कॉस फोर एक्स प्लस टेन को अलग कर लिया, वन बाई टू दोनों में कॉमन है तो वन बाई टू यहाँ पर लग गया, प्लस वन है तो प्लस कर दिया, वन यहाँ पर है और डी एक्स का डी एक्स हमने रख दिया। ठीक है, अब यह हो गया वन बाई टू। अब देखेंगे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको, जी नहीं, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, सॉरी कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस टेन और जो ऊपर है वही मल्टीपल में आ जाएगा नीचे फोर है ना, यहाँ पर फोर है तो क्या हो जाएगा फोर प्लस और ये हो गया एक्स बाई टू प्लस सी, यानी हो जाएगा वन बाई एट साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि इंटीग्रेशन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है, वो भी आप लिस्ट में बन चुका है, लिस्ट में जाकर आप उसको टोटल फार्मूले को भी देख सकते हैं अगर आपके फार्मूला याद नहीं है इंटीग्रेशन का। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, जैसे हमने अभी कॉस का साइन बोला। ठीक है, लेकिन कॉस का क्या होता है, साइन ही होता है, साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं।
फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको नेक्स्ट सेशन, आपको बेहतर कंसेप्ट मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस।